रहीम, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं नाफिया जुमले यानी फिक्र। तो इसकी बहुत आसान तरीक़ेकार है। आसान तरीका क्या कार किया है कि इसके बाद एस एम आर, चूँकि इस टेंस में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बाद एम के बाद आर के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। और बाकी जैसे आई एन जी लगता है, तो मैं इसमें से आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। She is not washing the clothes. वो कपड़े नहीं धो रही है। अब एम का भी इस्तेमाल हो गया, एस का भी हो गया, अब मैं आर का बताता हूँ। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इसमें एस आर एम के बाद नॉट लगेगा। बाकी जो सेंटेंस है, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, शी इज वॉशिंग द क्लोथेस, शी इज़ नॉट वॉशिंग द क्लोथेस, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये बहुत आसान तरीका है। मुझे उम्मीद है कि इस टेंस की नाफिया फिक्र आपको समझ आ गई होगी। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सवाल या निशान यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर रोशनी डालेंगे। मज़ीद वीडियो के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें और अपने फीडबैक से भी नवाज करें। थैंक यू सो